फलस्तीनी वगैरह के सेहत के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गजा की पट्टी पर गासिब इसराइली हकूमत की बमबारी में अब तक 7,326 फलस्तीनी अफराद शहीद हो चुके हैं। फलस्तीन की वजारत सेहत ने जुम्मा की शाम को तूफान अल अक्सा ऑपरेशन के 21वें दिन गजा की पट्टी में गासिब इसराइली फौज के जारहाना हमलों में शहीद और जख्मी होने वालों के बारे में ताज़ा आदाद शुमार जारी किए हैं। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गजा की पट्टी पर मजलूम फलस्तीनियों पर गासिब सेहनी फौजियों की जारियत के आगाज से अब तक 7,326 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 18,967 जख्मी हुए हैं। फलस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक गासिब इसराइली हकूमत की वहशियाना जारियत में शहीद होने वालों में 3,038 बच्चे, 1,726 औरतें शामिल हैं। फलस्तीन की वजारत सेहत की तरफ से जारी होने वाले बयान के मुताबिक 414 सन रसीदा अफराद भी गासिब सेहनियों की हमलों में शहीद हुए हैं। इधर गासिब फौजियों की बमबारी में 2 मसाजिद को भी निशाना बनाया गया है और गजा की पट्टी के जनूब में वाके शहर खान यूनस पर आज सुबह होने वाले गासिब इसराइली फौजियों की बमबारी में मजीद 15 फलस्तीनी भी शहीद हुए हैं। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक हमास के एक आला ओहदेदार का कहना है कि इसराइली जमीनी हमले के लिए हम तैयार हैं और इसराइल को गजा को इसराइल का कब्रिस्तान बना देंगे। हमास की हकूमत ने कहा है कि इसराइल ने जुम्मे को गजा की पट्टी में मवासलात और ज्यादातर इंटरनेट मुनकता कर दिए हैं। हकूमत के मीडिया ऑफिस ने कहा है कि इसराइल शुमाली गजा में शदीद हमलों के बाद फजाई, जमीनी और समुद्री रास्तों से कत्लेआम का इर्तकाब करने के लिए ये कदम उठा रहा है। गजा में AFP के सहाफियों ने तस्दीक की है कि वो सिर्फ महदूद इलाकों में बातचीत करने के काबिल हैं, जहां वो सरहद पर इसराइली नेटवर्क से रब्ता कर सकते हैं। फलस्तीनी टेलीकॉम फराहम कुनिंदा जोवाल ने इलाके में तमाम मवासलाती खिदमात और इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर मुनकता करने का ऐलान किया है। जोवाल ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि गुज़िश्ता 1 घंटे में होने वाली शदीद बमबारी ने गजा को बैरूनी दुनिया से मिलाने वाली बाकी तमाम बैनुल अक्वामी रास्तों को तबाह कर दिया है।